लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। मैंने कमिश्नर साहब को कहा कि जो लोग इस प्रकार की शिकायत कर रहे हैं, आप उनका बैकग्राउंड देखिए, जिनके कोई औकात नहीं है, जिन्होंने स्कूल में चोरी करके जेल की सजाएं काटी है, ऐसे लोगों के कंप्लेन के ऊपर किसके दबाव में आके आपने तबादला किया है? आप नहीं जानते बांगर साहब कि उनके नीचे कितना बारूद है। ये बारूद अगर कहीं स्पार्क हो गया तो समझ लो आपके साथ लेके उड़ेगा। अगर आप इस प्रकार का काम करोगे तो कल कोई अच्छा काम नहीं करेगा। आप देखेंगे जो पेरेंट्स है, उन्होंने वीडियो क्लिप्स भेजे, ऑडियो क्लिप भेजे, कुछ राइटिंग में लिख के स्कूल को हेडमास्टर को दिया है कि आपने बहुत अच्छा ये किया कि हमारे बच्चे कम से कम शिक्षा में टिके रहे। इतना अच्छा काम होने के बाद ऐसे माध्यम से नई मुंबई को एक अलग आयाम तक लेके जाने का काम जो रोल मॉडल वो स्कूल करती है, वहां की मुख्याध्यापिका, उनको रिटायर होने के लिए 4-6 महीने बाकी है और उनके दरमियान उनको ट्रांसफर ऑर्डर दिया जाता है क्योंकि आपने यहाँ बहुत अच्छा काम किया है इसलिए आपको ट्रांसफर किया जाता है। वहां शाबाशी नहीं दी जाती है, उनका सत्कार नहीं किया जाता है, सम्मान नहीं किया जाता है। ये तो छोड़िए, इनके तो 4 महीने बाकी है, लेकिन जो स्कूल नंबर 78 माननीय कांशीराम जी हिंदी विद्यालय है, वहां के प्रधान प्राध्यापक जो है, उनको तो आज आके 1 साल पूरा हुआ है, उनका तबादला क्यों हुआ है? क्यों हुआ है उनका तबादला? क्या कारण था? क्या किया था उन्होंने? मिसाल साहब ने आदेश दिया है कि हमारे पास खून की कमी है, ये दोनों स्कूलों ने मास्टरों ने आके खून दिया, फिर बाद में आप आए बांगर साहब, आपने भी बोला कि हमारे रक्त पीढ़ी में रक्त नहीं है, तो दोनों स्कूलों के मास्टरों ने कर्मचारियों ने अपना खून दिया, 70 बोतलें खून आप तक पहुंचा है, आपके आदेश को फॉलो किया है, फिर इनको किस कारण से आपने तबादला किया है? और जिसके दबाव में आके आपने तबादला किया है, आप नहीं जानते बांगर साहब कि उनके नीचे कितना बारूद है। ये बारूद अगर कहीं स्पार्क हो गया तो समझ लो आपके साथ लेके उड़ेगा वो। और जिस चीज को आप बचाना चाहते हैं, क्या आप क्या दबाव, किस प्रकार का दबाव आपके ऊपर? अगर आप इस प्रकार का काम करोगे तो कल कोई अच्छा काम नहीं करेगा। जो भी कोई मतलब आपकी संस्था यहाँ पर काम कर रही है, अच्छे काम का अगर नतीजा ये हुआ तो लोगों का मन टूटेगा, अच्छा काम नहीं होगा। इसलिए अभिजीत बांगर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, क्योंकि जितनी आपकी उम्र है उतना मेरा तजुर्बा है सार्वजनिक जीवन का, मैं आपको गलत सलाह नहीं दूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आप भले प्रशासक हो, IAS हो, लेकिन आपसे भी गलती हो सकती है, या परखने में गलती हो सकती है, या तो आप दबाव में किसी के इसमें ट्रैप लगे हो कि जो आपको वहां ब्लैकमेल कर रहा है, जो यहाँ पर प्रशासक है उस प्रशासक को लोकहित को नजर में रखना रख के काम करना चाहिए।